भाई पिंड वालो अज आप इत्थे एक खास गल लई इकट्ठे होए आ। दरअसल फौज वालों एक खास सुनेहा आया है। मैं चाहुंदा कि वह सुनेहा सरपंच साहब की हाजरी च सारे पिंड नूं पढ़ के सुनाया जाए। आ पुल्ले पढ़ के सुना बे। भाई मैं बहुता पढ़िया नहीं है पर इन्ना तो पढ़ ही सकदा। ला सुनो फिर। करम सिंह सुपुत्र गुरदयाल सिंह नू ए हिदायत दिती जांदी है कि थोड़ी ड्यूटी अज तो एक सीक्रेट मिशन ते लाई जा रही है जिदे अनुसार अज तो बाद थोड़े वालों समाजिक तौर ते किते भी ए ऐलान ना कीता जावे कि तुसी बतौर फौजी मिलिट्री च हो। बा हुकम कमांडर साहब। ओ भोलिया ना तू की पिंड वाले नू जानदा नहीं इन्हां दे ढिड च तां ऊई नहीं गल पचदी। ओए हद करती ते तां ना असी कमले आ यार किड्डी क गल है बस ऐ नहीं दसना भी करम सिंह फौजी है। ए तां सही सवाए निकली जांदी है। हां नाले करम सिंह दा सारे पिंड चल पई होई है। ओए जदों दोवें हत्थ जोड़ के मौरां च पैंदियां ना डांग आ आलल तां सारे भुल जांदे ने। ओ बल्लो तुहाडे ओए हुण तां फौजी नूं फौजी कहणा वी गुनाह हो गया। क्यों मंगल सिंह? हां ओ सरकारी हुक्म आ ए सारे पिंड नूं मनणा पैणा। ना तुसी की चाहुंदे हो कि थोड़े सारियां करके साडे करम सिंह दी सरकारी नौकरी खुसी है? ओ भाई ऐ ते कोई नहीं चाहुंदा पर हुण कीता की जावे सह सवाए मूह फौजी निकल जांदा है। ओए जे कन्ना हेठ पैंदी होवे ना फेर नहीं निकलदा। मार दे फेर नहीं निकलदा। लो भाई हो गया फैसला अज तो जिने फौजी कहा ओदी होगी छितर परेट। अपनी अपनी इज्जत सब दे अपने हाथ च है। के समझ गए कि एक बारी और पढ़ के सुनावा? नहीं चल बे ढोली तू भी जा। चलो ले मित्रो। हाँ बन जू गल अपनी। काम तो बन गया बन गया। हुण मैनूं लगदा नहीं कोई बोलेगा।